वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक दियानी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप। ये हमारा लेक्चर 3 है, तो हम यहाँ पर दो चीजें सीखेंगे, वेरिएबल और डेटा टाइप। इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, विदाउट वेरिएबल डेटा टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इनको सीखना। तो वेरिएबल क्या है? ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. ठीक है, वेरिएबल क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इसका जो काम है डेटा को स्टोर करने का। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स। ठीक है, x इक्वल टू 5, तो x क्या है? एक वेरिएबल है और 5 क्या है? वैल्यू। ये स्टोर कहाँ हो रही है? x में जाके, तो इसलिए इसको क्या कहा है? मेमोरी लोकेशन, यूज टू स्टोर डेटा। जॉन किस में स्टोर हुआ है? y में, तो y क्या है? वेरिएबल है, वैल्यू को होल्ड कर रहा है। जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तो इसके भाई क्या क्या रूल हैं, क्या रूल हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, तो पहला रूल है ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडर स्कोर। वेरिएबल में अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडर स्कोर हो सकते हैं। सेकेंड रूल है ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडर स्कोर ओनली। वेरिएबल में अल्फाबेट स्टार्ट किसके साथ हो सकता है? अल्फाबेट और अंडर स्कोर के साथ। थर्ड है इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, ठीक है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स, यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन। लास्ट है ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, एग्जांपल एंड फ्लोट ईटीसी। तो इसको हम कुछ समराइज वे में सीख लेते हैं। ये आपके कुछ सही वेरिएबल हैं और ये आपके कुछ गलत वेरिएबल हैं। तो पहला रूल क्या है? ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, मतलब ए अंडरस्कोर बी 2 नाम का वेरिएबल हो सकता है। अगला रूल क्या है? ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, मतलब ए अंडरस्कोर बी नाम का हो सकता है वेरिएबल, अंडरस्कोर ए बी हो सकता है। इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, मतलब 2A नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, 3A नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड, स्पेशल वर्ड नहीं हो सकते हैं। ए एट द रेट बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है, स्पेशल वर्ड है। या ए हैज बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, तो मतलब अंडरस्कोर वाला मैंने आपको दिखा दिया, ए अंडरस्कोर बी नाम का हो सकता है। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, कीवर्ड नहीं हो सकता है, जैसे इफ नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, एल्स नाम का नहीं हो सकता है। तो आगे देखेंगे कीवर्ड क्या होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस आप अभी इतना ध्यान रखो, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप वेरिएबल बना सकते हो, जैसे ए बी 2 नाम का वेरिएबल हो सकता है, ए अंडर स्कोर बी नाम का भी बना दिया है मैंने, ए अंडर स्कोर भी हो सकता है, अंडर स्कोर से ए से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। आपका वेरिएबल कितना भी बढ़ा सकता है, ए बी सी डी ई एफ, तो कितना भी लंबा आपका वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइथन डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स और वेरिएबल का आपस में बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो क्या है डेटा टाइप्स? डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, ठीक है। तो आपका जो डेटा टाइप है स्पेसिफाई करता है आपकी वेरिएबल की किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज, ठीक है। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? यहाँ पर पहला होता है str. str means it can hold string value. String मतलब जैसे आप python को hold कर सकते हैं string, ठीक है। और हम जब भी string को hold करते हैं या तो single quotes में hold करेंगे या हम python को लिखेंगे double quotes में, ठीक है, या triple quotes में। numeric types होते हैं int, float, complex. int किस type के होते हैं? मतलब integer value को hold करते हैं, जैसे 10, 20 इनको होल्ड कर सकता है। फ्लोट कैसी वैल्यू को होल्ड कर सकता है? 10.5, 20.5 इस टाइप की वैल्यू को ये होल्ड करता है। कॉम्प्लेक्स ऐसी वैल्यू को होल्ड कर सकता है जैसे 10 प्लस आई, ठीक है,
वैल्यू प्लस वेरिएबल टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकता है। सीक्वेंस टाइप है एक, अगला लिस्ट है, टपल है, रेंज है। आगे जा के इनके एक पर्सनल टॉपिक आपको मिलेंगे, तो आप सारी चीज़ें डिटेल में सीख जाएंगे। और अगला टाइप है मैपिंग टाइप, इसका है डिक्शनरी। लास्ट है बूलियन टाइप, बूल। और एक और है बाइनरी टाइप्स, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल होल्ड करेगा। अगर आप ये लिखते हैं, जब आप यूजर से वैल्यू लेते हैं, ए इक्वल टू एंट इनपुट डबल कोट्स में एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो ये क्या है, इंट क्या है, आपका डेटा टाइप है, ये स्पेसिफाई कर रहा है जो आपका ए वैल्यू होल्ड करेगा किस टाइप की करेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इंट लिखा है तो इट कैन कंटेन ओनली होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इतने टाइप निकल के आए स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करेगा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स। दूसरा है न्यूमेरिक टाइप, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंस टाइप होता है लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग टाइप होता है डिक्ट। बूलियन टाइप है बूल, ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू को होल्ड करता है, ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू को होल्ड करता है। बाइनरी टाइप से आपका बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। तो गाइज ये था हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल्स की वीडियो। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।